एक शाम मेरे बेटे के नाम, आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं अपने बेटे को सो मच फन करवाऊंगी, तो उसके लिए मैं लेके चली गई थी प्रियांश को अपने घर के बिल्कुल पास वाले मॉल में। और जहां मैं जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने देखा कि यहां पूरा गैलेक्सी सेटअप किया हुआ है जिसमें बच्चों को बहुत ही इंफॉर्मेशनल चीज़ें बताई जा रही थी। और प्रियांश बहुत ही एक्साइटेड हो गया था क्योंकि ये सब चीज़ें प्रियांश के चैप्टर में बहुत टॉप पे रहती है। प्रियांश को गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस ये कुछ ऐसा था कि प्रियांश की लॉटरी लग गई थी। तो प्रियांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए। ऐसे तो उसे सब कुछ ऑलमोस्ट पता है, लेकिन ये चीज़ों को फ्लोर पे देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ सारी चीज़ें कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था पहले क्या करें। और ये सेटअप कुछ ऐसा था कि सब कुछ स्टेप वाइज स्टेप हो रहा था। सबसे पहले हम लोग को अर्थ के कोर्स के बारे में पढ़ाया गया, उसके बाद प्रियांश ने सारे प्लैनेट्स देखे, और यहाँ VR हेडसेट का भी सिस्टम था, और कुछ एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराई गई थी, और ये बच्चों के लिए था। मुझे भी मन कर रहा था करने के लिए, लेकिन बस ये सिर्फ बच्चों के लिए था। तो फिर थोड़ा सा गेम्स खेलने के बाद फाइनली प्रियांश के VR हेडसेट की बारी आई, जो वहाँ पे प्रियांश को एक रॉकेट में बैठा के गैलेक्सी में ले जाया गया, जहाँ उसको सारे प्लैनेट्स की सैर कराई गई। और ये उसके अकॉर्डिंग टू प्रियांश ये उसका बेस्ट पार्ट था, उसको बहुत मज़ा आया। ये देखने में उसे लग रहा था कि वो सही में किसी सोलर सिस्टम में चला गया है और मिल्की वे में घूम रहा है। बहुत ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट प्रियांश को जब वो 3 साल का था तब से इस चीज़ों के पीछे इसका इंटरेस्ट हुआ था, और उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यूड है। तो बहुत इन्जॉय कर रहा था वो, उसे लग रहा था कि सही में जो चीज़ वो ड्रीम में देखता था वो आज वो हो गया है। तो फिर ये VR हेडसेट में उसको मार्स, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स पे ले जाया गया। तो प्रियांश मुझे बाद में सारी स्टोरीज़ बता रहा था कि क्या क्या हुआ था। जैसे ही मैं मार्स पे पहुंचा तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था वो मार्स है, मार्स ऐसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था वो। और ये अच्छा खासा टाइम, मुझे लगता है अराउंड 15 to 20 minutes का VR शो था ये, और प्रियांश तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, और उसे देख के मैं भी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। क्योंकि होता है ना, बच्चों की कोई चीज़ें जो आपको पता है कि बच्चे की फेवरेट है और वहाँ पे वो उसे मिल जाए, तो उसको मिल जाए तो वो देख पाए सामने से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सेटअप मुझे बहुत वाकई बहुत पसंद आया था बच्चों का, के और बहुत बच्चे इन्जॉय भी कर रहे थे जिनको प्लैनेट्स के बारे में पता है। जैसे ये साउंड ऑफ गैलेक्सी में प्रियांश ने बहुत सारे प्लैनेट्स के साउंड सुने, फिर यहाँ पर रॉकेट लॉन्च किया जिसे पैरों से पुश करके लॉन्च करना था, तो ये फाइनल प्रोसेस था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, अब प्रियांश का सारा टर्न खत्म हो गया, और मैं बस मॉल गई थी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कुछ पर्पस नहीं था कि हाँ किच क्या करेंगे जाके। और ये देखिए अर्थ के कोर्स को कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, प्रियांश मुझे सारा समझा रहा था, जो भी समझ के आया था मुझे समझा रहा था सारा, कि ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग चले गए प्रियांश के फेवरेट अड्डा, टॉयज़ अड्डा। यहाँ पे जो लेटेस्ट टॉयज़ आते हैं ना, जो भी सब कुछ बहुत ज़्यादा कलेक्शन में रहता है, सब कुछ लेटेस्ट वाले टॉय जो भी आपको चाहिए यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ बच्चों का तो टाइम 1-2 घंटे कैसे निकल जाता है बस टॉयज़ देखने में, वही नहीं पता चलता है। तो प्रियांश का ये भी फेवरेट जगह है। मुझे, मेरे पास जब भी टाइम होता है, प्रियांश को इन्जॉय करवाने का मन करता है, मैं यहाँ इसे लेके चली जाती हूँ। ये काफ़ी टाइम पास करता है, इसे बहुत मज़ा आता है, और घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो मेरे लिए भी आराम ही रहता है। तो प्रियांश बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। मुझे लगता है कि मैं डेट पे आई हूँ अपने बेटे के साथ, तो उसको बस उसके पसंद की चीज़ें करवाती हूँ तो अच्छा लगता है। इससे बच्चों के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। बच्चे अगर घूमते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चों को चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता होती है। सब चीज़ मैं प्रियांश को दिखाती हूँ, उसे ऑब्जर्व करवाती हूँ, ताकि प्रियांश को सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो सके। तो यहाँ प्रियांश फेवरेट अपने कार्ड्स के बारे में देख रहा था। उसके बाद प्रियांश मुझे पूरे मॉल में परेशान कर रहा था। ये वाला एक्चुअली जंपिंग वाला चीज़ मॉल के बाहर था, तो प्रियांश पूरे मॉल में मुझे तंग कर रहा था कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो वहाँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। और फाइनली बंद होने ही वाला था, सिर्फ यही एक बच्चा जो था बंदर उसमें उछल रहा था, बाकी सारे बच्चे चले गए थे। लेकिन थैंक गॉड, अगर ये बंद हो जाता तो प्रियांश मेरी बैंड बजा देता।
फिर प्रियांश बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ, और मैं बैठ के शांति से सुकून के कुछ पल अपने इन्जॉय कर रही थी। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, व्यू बहुत अच्छा था। फिर प्रियांश को लग गई थी भूख, फिर हम लोगों ने सोचा इधर से ही खा के डायरेक्ट घर चलेंगे, तो मैंने प्रियांश का आज फेवरेट फूड भी ऑर्डर कर दिया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आज था प्रियांश डे, क्योंकि आज प्रियांश ने फुल ऑन मस्ती की थी। तो प्रियांश फिर ने अपना डिनर इधर ही खाया, फिर हम लोग घर चले गए।